नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण खबर बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई अत्यंत ही आवश्यक अपडेट लेकर हम आए हैं। तो सारा खबर शुरू करें उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, दिनांक 31/10/2023 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लगभग 4 लाख संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय में वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया। यह तय माना जाने लगा है कि अब बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन और मानदेय में बिहार सरकार के द्वारा जो है कि बहुत जल्द वृद्धि किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और एक एक विभाग के संविदा कर्मी का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय विभाग को भेज दिया है, इसलिए सर्वप्रथम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि होना सुनिश्चित है। उसके बाद शिक्षा विभाग के तहत आने वाले बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि का मामला अंतिम चरण में है। उनको 10,800 रुपये प्रति माह के दर से नया मानदेय मिलना सुनिश्चित होगा। उससे पहले कैबिनेट इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करेगी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों राज्य शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवक, जो कि पात्रता परीक्षा पास सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बिहार सरकार के तरफ से प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के आवेदन पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने ACS सचिव को अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम हो कि रामाशीष सिंह रोहतास इंदौर दलहुआ निवासी ने मुख्यमंत्री को दिए आवेदन में हटाए गए 12,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों की पुनर्नियुक्ति का मांग सरकार से किया था, जिसके आलोक में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव ने नौकरी बहाल किए जाने की मांग से संबंधित पत्र को ACS सचिव को अग्रेतर कार्यवाही हेतु करने हेतु जिस पर निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने ACS सचिव को दिए आदेश की प्रतिकृत कार्यवाही से आवेदक को अवगत करवाने का आदेश भी जारी किया है, जिससे प्रतीत होता है कि हटाए गए सांख्यिकी स्वयंसेवकों की पुनः वापसी नौकरी पर हो सकती है, क्योंकि इस तरह का स्पष्ट आदेश अभी तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों के संबंध में पहले नहीं हुआ था। इसके साथ ही जो है कि आपको बताते चले, पंचायत एवं प्रखंड कार्यपालक सहायकों के वेतन वृद्धि का मामला बिजली विभाग, मानव बल, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक उर्मिला के प्यून, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी न्याय मित्र सचिव कस्तूरबा बालिका विद्यालय और जो है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी PhD पंप ऑपरेटर और जो है कि पटना जल बोर्ड के संविदा कर्मी, मोटर वाहन चालक, नल जल अनुरक्षक, IT अनुदेशक, BDMC डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर, SLW स्वच्छता पर्यवेक्षक, काउंसलर, नए और पुराने वार्ड सचिव, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, BAM, NHM, KTS, STS, BNE लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, उन्नयन बिहार नाइट गार्ड, बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन सलाहकार, कृषि ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट और संविदा ANM, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्रामीण कार्य विभाग के ड्राइवर, RTPS के तमाम संविदा कर्मी, NHM नर्स ए ग्रेड, ई रिक्शा ड्राइवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जो है कि पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, लेखापाल, IT सहायक पंचायत में नियुक्त हैं और शिक्षा प्रेरक
और साथ ही आपको बताते चले कि 550 संविदा अमीन सहित बिहार के तमाम वैसे संविदा पर नियोजित कर्मी जो आज की वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और जिनके मानदेय में 2 या 3 वर्षों से या 1 वर्षों से अधिक समय से वृद्धि नहीं की गई है, उनके मानदेय में वृद्धि की प्रक्रिया सरकार शुरू करने जा रही है और तमाम लोगों के वेतन में वृद्धि करवा कर ही हम मानने वाले हैं, क्योंकि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि का ठेका सरकार ने ले रखा है और उसको पूरा करवाने का कार्य संविदा कर्मियों के तरफ से हम कर रहे हैं। इसमें जरूरत है बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों की सहयोग की, जो कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि वीडियो बूस्ट हो और जो है कि जाकर मुख्यमंत्री तक आपकी बात बड़े ही जो है कि महत्वपूर्ण तरीके से पहुँचे और आने वाले दिनों में जो 31/10/2023 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उस बैठक का फलाफल बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। सांख्यिकी स्वयंसेवक नए और पुराने वार्ड सचिवों का जो है कि मामला भी प्रकाश में आ रहा है और तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन में वृद्धि की बात भी प्रकाश में आ रही है और जो है कि जितना जल्द हो सरकार इस पर लगी हुई है, क्योंकि 31/10/2023 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले जितने पुराने फाइल थे, रिकॉर्ड थे, जिन विभागों ने जो है कि अपना प्रतिवेदन नहीं सौंपा था उन तमाम विभागों से प्रतिवेदन प्रधान सचिव के द्वारा जो है कि ले लिया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही होना शुरू हो चुका है और जल्द ही जो है कि कार्यवाही होगी। हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि किस प्रकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से होते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवक रात्रि प्रहरी और जो है कि पंचायत कार्यपालक सहायक बिजली विभाग मानव बल किसान सलाहकार और कस्तूरबा गांधी और जो है कि तमाम तरह के संविदा पर नियोजित कर्मी हैं जिनके वेतन में सरकार वृद्धि करेगी ही करेगी। इसलिए जो है कि धैर्यपूर्वक वीडियो को देखने का काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए उस क्षण का जब शिक्षा सेवक तालीमी मरकज विकास मित्रों की भांति बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन 30,000 सरकार करेगी। उस रोज आपकी जो समस्याएं हैं, आपके मन में जो वेदना है और आपको जो अभी कष्ट हो रहा है उसका निवारण क्षण भर में हो जाएगा और आप भी हंसी खुशी अपने कार्य को करने लगिएगा और आपकी तमाम मांगे पूरी हम करवाने जा रहे हैं। इसलिए आपको धैर्य खोना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।